सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। से एक बड़ी खबर सामने आ रही है बॉलीवुड से, वो भी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। जी हाँ, सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रेहा चक्रवर्ती जो उनके साथ लिविन में रहती थी, उन्होंने ये कबूला जरूर था कुछ दिन पहले मुंबई पुलिस के सामने कि उनका झगड़ा हुआ था। उसके बाद जो बैंड्रा के स्थित जो घर था सुशांत का, वहां से वो चली गई थी और आखिरी कॉल जो सुशांत का था वो उनको आया था मरने से पहले। रेहा चक्रवर्ती के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर में एक केस दायर किया है। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के डिमाइस के बाद ये दूसरा केस है। पहले मैं लेटेस्ट केस बता देता हूँ रेहा चक्रवर्ती के खिलाफ जो दायर किया है। किसने किया है? कुंदन कुमार ने किया है, जो कि एक रेसिडेंट है पटाही लोकेलिटी के, और ये पटाही लोकेलिटी मुजफ्फरपुर में है बिहार के, ठीक है। उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया कोर्ट में, और वो भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार को ये पिटीशन उन्होंने फाइल की है। और ये केस की सुनवाई जून 24 को होने वाली है। और कुछ दिन पहले पहला केस दायर हुआ था और पिटीशन दायर हुआ था, वो भी मुजफ्फरपुर के ही थे, सुधीर कुमार ओझा। उन्होंने वो जो खुद भी एडवोकेट है वो, उन्होंने ये केस दायर किया था जिनमें सलमान खान आदित्य चोपड़ा करण जौहर संजय लीला भंसाली और एकता कपूर का नाम उन्होंने इसमें शामिल किया था। तो सुधीर कुमार ओझा का ये कहना है कि एकता कपूर, एसएलबी, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, सलमान खान कहीं ना कहीं जिम्मेदार है सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर। तो अभी तक सुशांत सिंह के मामले में दो केस फाइल हो चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि रेहा चक्रवर्ती के खिलाफ जो केस फाइल हुआ है उस पर रेहा चक्रवर्ती किस तरह से जवाब देती। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ धीरे धीरे कि ये केस काफी पेचीदा होता जा रहा है। वहीं एक और अपडेट सुशांत सिंह के केस पर यह है कि उनके जो जो सेक्रेटरीज उनसे डिटेल जब मांगी गई सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, तो उन्होंने पर्सनल डिटेल्स बताने से मना किया है। अब देखने वाली बात है कि किस हिसाब से मना किया, क्या रीजन है, क्या उसमें कुछ धांधली या गड़बड़ तो नहीं। तो जो भी चीजें होंगी आपको जरूर बताता रहूंगा, लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय जरूर बताइएगा।